हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपको पेपर में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ की प्रॉपर गारंटी के साथ मैं बोल रही हूं, आज वाली वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की बात करें, अभी रिसेंटली हमारा HTET होने वाला है 2 और 3 दिसंबर को, तो देखिएगा PRT, TGT, PGT किसी भी जो है पेपर में आप देख लेना, यहाँ से मेरी वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा लर्नर्स, ताकि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की वीडियो का फर्स्ट जो है पॉइंट आता है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल पर जो है लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, इन सारी की सारी वीडियोस को आप चैनल पर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम इसे समराइज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट आता है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी हमें किसने दी है? बंडूरा ने दी है। ठीक है, याद रखेंगे किसने दी है? बंडूरा ने। सेकेंड आती है 2-फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है? स्पीयरमैन ने। 2-फैक्टर थ्योरी किसने दी है? स्पीयरमैन ने। फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। ये थ्योरी आपसे हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस थ्योरी के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। गार्डनर ने हमें जो है डिफरेंट टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंसी दी है। इनके अकॉर्डिंग एक बच्चे में एक इंटेलिजेंसी नहीं होती, उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंसीज का क्या होता है, इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ऐसा किसने बोला है? गार्डनर ने बोला है। ओके लर्नर्स, अगर फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो चैनल पर फटाफट जाइए और ये वीडियो देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थ्रस्टन ने। और इसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई है, जिससे आप जो है आसानी से याद रखेंगे कि थ्रस्टन ने कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमें दिए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम SOI मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की मैं बात करूँ तो ये हमें किसने दिया है? गिलफर्ट ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? गिलफर्ट ने। 3-डायमेंशन थ्योरी आ जाए, SOI मॉडल आ जाए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की अगर बात हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? गिलफर्ट। ठीक है लर्नर्स, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, किसने दिया है ये? गिलफर्ट ने दिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी ट्रायार्किक थ्योरी। ट्रायार्किक थ्योरी किसने दी है? स्टैनबर्ग ने दी है। ये सारी थ्योरीज़ आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, इसीलिए मैं इन सब थ्योरीज़ को एक ही क्लास में ले आई, ताकि आप में से किसी लर्नर को प्रॉब्लम ना हो कि कौन कौन सी साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं जो आप लोगों को लर्न करनी है। ठीक है लर्नर्स, चलिए नेक्स्ट आती है सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी हमें किसने दी है? थॉमसन ने दी है। फिर बात आती है मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो थी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी जो गार्नर ने दी थी, और ये क्या है हमारी? मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। ओके लर्नर्स, नेक्स्ट आता है 3-फैक्टर थ्योरी, ये किसने दी है? स्पीयरमैन ने। और एक आगे आने वाली है 2-फैक्टर थ्योरी, वो भी किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। ठीक है, याद रखेंगे 3-फैक्टर थ्योरी, 2-फैक्टर थ्योरी हमें किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग हमें किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। यानी कि लर्निंग से रिलेटेड लॉ की बात सबसे पहले किसने करी है? थॉर्नडाइक ने करी है। ठीक है, इसके साथ साथ थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फिर से मैं लर्नर आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, ये सारी की सारी वीडियो, चाहे वो थॉर्नडाइक की हो, चाहे प्याजे की हो या स्पीयरमैन की हो, ये सब थ्योरीज़ मैं कवर करा चुकी हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप फटाफट से चैनल पर जाइए और जल्दी से वो वीडियोज़ देखिए। चलिए लर्नर्स आगे डिस्कस करते हैं। फिर बात आती है हमारी कॉग्निटिव थ्योरी की। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कॉग्निटिव थ्योरीज, ये किसने दी हैं? ये दी हैं जीन प्याजे ने। ठीक है, कॉग्निटिव वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? जब हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग को, अपनी रीजनिंग पावर को, अपने लॉजिक को जब हम लोग देखते हैं। इसके बाद आती है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दी है किसने? कॉलबर्ग ने दी है। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट कॉलबर्ग ने। फिर आती है साइको एनालिसिस थ्योरी, ये किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने दी है। किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने। फिर 3D थ्योरी गिलफर्ट ने दी है। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिए हैं? बिन्नी ने दिए हैं। जर्नल और स्पेसिफिक थ्योरी की बात किसने करी है? स्पीयरमैन ने, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया था, ये वही थ्योरी है लर्नर्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये हमें किसने दी है? B.F. स्किनर ने दी है। किसने दी है? स्किनर ने दी है। और इस थ्योरी को मैंने जो है अपनी वीडियोज में भी डाला है,
आप लर्निंग की प्लेलिस्ट निकालिएगा लर्नर्स, उसके अंदर ये सारी लर्निंग की थ्योरीज मिलेंगी। इंटेलिजेंस की जो है आप लोग प्लेलिस्ट निकालेंगे तो उसमें सारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है लर्नर्स, तो जाइए चैनल पर और फटाफट से जो है सारी जो है वीडियोज़ को आप लोग जल्दी से देख लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है 5 मेंटल थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? 5 मेंटल थ्योरी, ये दी है कैली ने। ठीक है, याद रखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसने करी है? पेवलोव ने की है। इनसाइट थ्योरी कॉहलर ने, और इनसाइट वर्ड का क्या मतलब होता है ये मैंने अपनी पूरी वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ कॉहलर। ठीक है, प्लेलिस्ट में फटाफट जाना और देखना इसको। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? कार्ल रोजर्स ने हमें दी है। ठीक है, और इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी है? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने। ठीक है, ये थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है और ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड थ्योरी है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरी से रिलेटेड पिछले 2-3 साल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस थ्योरी के ऊपर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है इन्हीं से रिलेटेड आएगी। ओके लर्नर्स, नेक्स्ट आती है साइन थ्योरी। साइन थ्योरी किसने दी है? टॉलमैन ने दी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें फील्ड थ्योरी, तो फील्ड थ्योरी हमें किसने दी है? कुर्ट लेविन ने दी है। लैंग्वेज थ्योरी की बात करें तो इस पे चोमस्की ने जो है बात करी है, किस पे? लैंग्वेज थ्योरी के ऊपर। हायरार्की ऑफ लर्निंग हमें किसने दी है? गैने ने दी है। इन्होंने प्रॉपर 8 तरीके की लर्निंग की हायरार्की हमें बताई है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है। ये जो दोनों क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, टेट एग्जाम्स में, एच टेट में, सी टेट में। तो अगर आपने नहीं ये वीडियो सुनी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और जल्दी से वीडियो सुनिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ये किसने दी है? ब्रूनर ने दी है। कभी कभी डिस्कवरी लर्निंग पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? ब्रूनर ने दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये दोनों ही थिंकिंग पे बात किसने करी है? जेपी गिलफर्ड ने बात करी है। ओके लर्नर्स, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 से 3 पॉइंट और हमारे बचे हैं जिसे हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट। शेड्यूल किसने दी है रीइन्फोर्समेंट की? स्किनर ने दी है। ओके, इसके बाद लर्निंग बाय इनसाइट, ये किसने दिया है? कॉलर ने। इस थ्योरी का नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर भी आपको बताया, फिर यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब मैं अपना टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी तो मुझे भी ये टॉपिक नहीं मिला था, और ये टर्म है आपकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये किसने दी है? जीन प्याजे ने। ये हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है और मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो प्लीज़ लर्नर्स आप जाइए और चैनल पर विजिट करिए और सारी की सारी थ्योरीज़ को देखिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी जिनसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके लर्नर्स, थैंक यू। आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, आप लोगों से बस एक सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए लर्नर्स, ताकि ऐसे नीडी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें जिनके पास किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, चाहे वो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, इवन कोई भी एक ह्यूमन बींग जहाँ तक मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँच रही हैं। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके लर्नर्स, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय लर्नर्स।